उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा, मोदी के कारण विश्व का भारत को देखने का नजरिया ही बदल गया है। मोदी जहां जाते हैं वहां उत्सव का माहौल हो जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिपुर कला हरिद्वार में हरि सेवा आश्रम के वार्षिक उत्सव दशहरा महोत्सव एवं श्रीमद भगवत कथा ज्ञान यज्ञ में भाग लिया। धामी ने मंत्रोच्चारण के बीच दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में आज पूरा देश तेजी से विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री इस समय कई देशों के प्रवास कर लौटे हैं। जिस देश में भी वे जा रहे हैं वहां उत्सव हो रहा है तथा भारत के प्रति विश्व का नजरिया बदल गया है। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने कई देशों को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति करके लाखों लोगों की जान बचाई तथा वैक्सीन की पैकिंग के डिब्बे के माध्यम से विश्व बंधुत्व सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया का संदेश दिया। धन्यवाद करता हूँ उनकी अध्यक्षता में भारत को G20 की अध्यक्षता का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ऐसे समय पर जब पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई, ऐसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण समय पर भारत को G20 देशों की अध्यक्षता का और नेतृत्व का काम मिला है और उसमें से पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये बैठकें पहले छोटे छोटे स्थानों पर होती थी, बड़े बड़े स्थानों पर होती थी, आज सभी देश के कोने कोने में ये बैठकें हो रही है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।